तो मैं इस पे कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने अपने मतलब जितने टाइम पीरियड में उन्होंने मतलब उनकी गवर्नमेंट रही है उतने टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इंडिया का, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो चाहे वो पर कैपिटा जीडीपी हो। देखना चाहेंगे उनको कंटिन्यू फिर से देखना चाहेंगे? एक्जैक्टली क्यों नहीं, मैं देखना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं फिर से इसी जगह पे वापस भी आऊँ। हाँ, परीक्षा पे चर्चा जो 8वां संस्करण अगले साल हो। हाँ, मोदी जी का जो ये परीक्षा पे चर्चा का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है। मतलब उन्होंने वो जो टिप्स शेयर करते हैं वो सही में काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स के पहले हमें राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, तो सही है क्योंकि हम आजकल इतना गैजेट्स यूज़ करते हैं तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस हमारी छूट जाती है। तो एग्ज़ाम में हमें 3-3 घंटे ज़्यादा ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस तो बिल्कुल चाहिए। आपका क्या नाम? मेरा नाम यज्ञ आर्यन है। ये भी कहा है पीएम ने कि जब भी आप करियर चूज करने जाएं तो पहले अपने मन की सुने, दिल की सुने, बाकी जो सुझाव दे रहे हैं वो ठीक है एक तरफ, लेकिन अपनी ज़रूर सुने। इस बात पर कहूँगा कि एकदम सही बात है। जैसा कि एक लड़की की स्टोरी थी जिसमें कि उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था, मैं उनका नाम अच्छे से याद तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था और उन्हें डेली ताना सुनना पड़ता था जिसके लिए वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से सजेशन मांगे थे। तो मैं इस पर ये कहूँगा कि अगर आप अपनी दिल के सुनोगे, जो आपको मन है आप वो करोगे, तो आप ऊपर जा पाओगे। अगर आप ये फंस जाओगे कि लोग आपको कह रहे हैं कि आप ये मत करो वो मत करो और उनके जो लिमिटेड माइंडसेट होता है वो बाहर का नहीं सोच रहे, लेकिन आप विजन कर पा रहे हो कि आप आगे का सोच पा रहे हो, तो आप उनकी बातों को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा और आपको अपने मन पे ही काम करना पड़ेगा जो आप। और क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के बारे में? अभी ये इस बार तो 7वीं बार उन्होंने किया है, लेकिन इस बार वो भी एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इलेक्शन का एग्ज़ाम आ रहा है उनका। तो मैं इस पे कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने अपने मतलब जितने टाइम पीरियड में उन्होंने मतलब उनकी गवर्नमेंट रही है उतने टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इंडिया का, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो चाहे वो पर कैपिटा जीडीपी हो। और उसके बाद जैसे परीक्षा पे चर्चा नाम का उन्होंने जैसे इवेंट जो चालू करवाया जिसका आज 7वां एपिसोड था, तो उसमें जैसे कि ये जैसे हम लोगों ने जैसे इसे क्रिएट किया, ये एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम लोगों ने बनाया, तो इन सबसे क्या होता है कि हमें मतलब इनोवेट करने का मन करता है कि प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट देखा, उसे हमें काफ़ी अच्छा लगा और लोगों को भी इसके बारे में जानने को मिला और फिर उन्होंने अपना व्यूज़ भी शेयर किया एग्जामिनेशन के बारे में कि हम लोग को वॉरियर नहीं बनना चाहिए, हम लोग को वॉरियर बनना चाहिए। देखना चाहेंगे उनको कंटिन्यू फिर से देखना चाहेंगे? एक्जैक्टली क्यों नहीं, मैं देखना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं फिर से इसी जगह पे वापस भी आऊँ। हाँ, परीक्षा पे चर्चा जो 8वां संस्करण अगले साल हो। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी प्रशंसा जो है पीएम मोदी ने पूरी एग्जीबिशन की है, तमाम जो मॉडल्स लगे हैं उनकी भी काफ़ी प्रशंसा जो है वो यहाँ पर की है। क्या नाम है आप? आदर्श लाट। आदर्श कौन सी क्लास में? 8th क्लास। कहाँ से आए हैं? मयूर स्कूल नोएडा से आया हूँ। स्कूल नोएडा से आए हैं। प्रधानमंत्री ने काफ़ी जो है प्रशंसा भी की है एग्जीबिशन की कि मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एग्जीबिशन को देखने में। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री खुद आकर इंटरेक्ट करते हैं विद्यार्थियों को, स्ट्रेस फ्री करवाने का प्रयास हर बार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मोदी जी का जो ये परीक्षा पे चर्चा का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है। मतलब उन्होंने वो जो टिप्स शेयर करते हैं वो सही में काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स के पहले हमें राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, तो सही है क्योंकि हम आजकल इतना गैजेट्स यूज़ करते हैं तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस हमारी छूट जाती है। तो एग्ज़ाम में हमें 3-3 घंटे ज़्यादा ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस तो बिल्कुल चाहिए। और उन्होंने इस पर भी एम्फोसाइज़ किया कि जितना हम पढ़ते हैं पूरे दिन हम कोई भी काम करें उसके बाद नींद भी बहुत ज़रूरी है, एक डीप और साउंड स्लीप, क्योंकि तभी हम फ्रेश फील भी करते हैं। उसके अलावा और कौन सी चर्चा आपको अच्छी लगी पेरेंट्स के लिए और जो टीचर्स के लिए पीएम ने कहा, उसमें कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वो ट्रस्ट वाली जो बात, मतलब एक ने क्वेश्चन पूछा था कि वो पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते वो कैसे कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप जो चीज़ उन्हें बोलते हो फिर आप वो करोगे ही नहीं तो उन्हें ट्रस्ट कैसे होगा। मतलब किसी ने बोला मैं पढ़ाई करूँगा और कोई जाके सो गया तो अब वो कैसे बिलीव कर पाएंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ट्रस्ट बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। तो वो बात मुझे अच्छी लगी कि आप जो बोलते हो वही करो। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है? दिव्यांशु। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में हो। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री आते हैं हर बार और परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बढ़िया है, लाइक हम लोग को स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, हम लोग को बहुत वेज भी मिलते हैं कि कैसे परीक्षा ये सबसे हमें टैकल करना चाहिए, क्या क्या हम लोग को पेरेंट्स टीचर्स सबको भी मिलता है टिप्स कि क्या करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स परीक्षा को एक लाइटली ले, ना कि एक बहुत स्ट्रेस्ड हो कि परीक्षा आ रही है। वो आज से क्या मंत्रा लेकर के जा रहे हैं, आज कौन सी बात आपको लगी प्रधानमंत्री की जो मंत्रा आप जाके एग्ज़ाम में? जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि हमें
एकदम लाइटली लेना चाहिए एग्ज़ाम्स को। जान मतलब जैसे स्टेशन पे जाते हैं तो हम लोग ट्रेन के आने से पहले ही पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग को एग्ज़ाम्स में भी जाना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में एकदम एंड तक पढ़ते नहीं रहना चाहिए, आराम से लाइटली 10-15 मिनट आराम करना चाहिए, जो मजाक हंसी मजाक करना है फिर अपना बस रिवाइज़ कर लेना चाहिए मन में, ना कि पूरे एंड तक पढ़ते रहना चाहिए। देखते हैं इस चीज़ को, ये जो इनिशिएटिव है सरकार का और उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री का, कि उससे पहले जो भी स्ट्रेस चल रहा है वो स्ट्रेस रिलीफ हो जाए, ये कैसे इस इनिशिएटिव को? ये तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग के मतलब लाइक हर साल बोर्ड्स ये सब होते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो स्ट्रेस रहता है कि बोर्ड्स आएगा, सब रिश्तेदार मार्क्स वार्क्स पूछेंगे, तो इसीलिए तो ये बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिल जाता है स्टूडेंट्स को कि क्या क्या करना चाहिए ताकि हम लोग स्ट्रेस फ्री रहे, अच्छे से पढ़ाई कर लें और सब कुछ एग्ज़ाम में बढ़िया लिख कर आएँ। आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी यहाँ पर आए थे देश भर से, 3000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर शामिल हुए थे, 2 करोड़ से ज़्यादा 2.25 करोड़ जो है वो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस समय जो यहाँ पहुँचे थे वो इस समय इस एग्जीबिशन को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तुषार है। कौन सी क्लास में? मैं 11th में हूँ। 11th क्लास, कहाँ से आए हो? मैं गुरुग्राम से आया हूँ। ग्राम से आए हो, क्या कहेंगे आज का जो परीक्षा पे चर्चा थी, क्या सबसे बेस्ट पार्ट लगा हो आप? मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा जब मोदी जी ने बताया हम परीक्षा से टेंशन से कैसे मुक्त हुए, वही सबसे बेस्ट पार्ट था। सबसे बेस्ट पार्ट, तो अब टेंशन फ्री जाएंगे एग्जाम? हाँ। आपका क्या नाम? कार्तिक। कार्तिक, आप क्या कहेंगे, आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा जो आज की चर्चा? ये बेस्ट पार्ट लगा है जो इसने बताया मेरे दोस्त ने, स्ट्रेस फ्री होके जाएंगे। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस फ्री होके और कोई टेंशन नहीं लेनी एग्जाम की, उसके बाद कैरियर की। हाँ कैरियर की भी। आपका क्या नाम है? सक्षम अग्रवाल। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को आज पहली बार देखा करीब से या पहले भी? पहली बार देखा है मैंने। मंत्रा भी दिया उन्होंने एग्जाम से पहले कि स्ट्रेस फ्री होके जाओ? उन्होंने बोला है स्ट्रेस फ्री रहो और आप अपने पर फोकस करो, दूसरे पर नहीं, और जो भी आप करना चाहें बन सकते हैं और कर सकते हैं। तो देख सकते हैं विद्यार्थियों से भी हमने यहाँ बात की। भारत मंडपम में मैं मौजूद हूँ, 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा की गई, साथ ही साथ इस बार जो मुख्य आकर्षण इस बार परीक्षा पे चर्चा है वो है यहाँ की एग्जीबिशन। एक बार मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे जो यहाँ का एग्जीबिशन हॉल है कि किस तरीके से यहाँ पर जो इनोवेटिव आइडियाज़ को जो है एग्जीबिशन में उकारा गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इस बार जो है चर्चा कर चुके हैं कि मेरे को 6 से 7 घंटे जो है वो यहाँ लग जाएंगे इस एग्जीबिशन को देखने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन जो है मॉडल्स जो है वो यहाँ पर जो विद्यार्थियों की तरफ से तैयार किए गए शिक्षकों की मदद के साथ वो यहाँ पर जो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो यहाँ पर जो है वो दर्शाते हुए सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। यहाँ इस समय अलग अलग जगह से आए हुए स्कूल के विद्यार्थी हैं, इस समय बाकियों को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स हैं वो इस समय डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं।